इस अग्नि से नहीं अपनी माँ की तड़पती चीखों से पैदा होगा अंगुला। मेरे बेटा अंगुला, अरे वाह, इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। मम्मा के लिए ड्राइंग बना रहा है। अच्छा अब जल्दी जल्दी ना दूध पी लो। गुड बॉय। तेरे बेटे का यही हाल होगा संजना। बचाना चाहती है तो कुरन से 10 किलोमीटर दूर अंगुला मंदिर पे जाकर पूजा कर, वरना तेरा बेटा। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। शेखर, शेखर कहाँ गया? शेखर, 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सरप्राइज। मैं कुछ कहना चाहता हूँ संजना। शादी के बाद इंसान को बीवी मिलती है, लेकिन मुझ तो बीवी के साथ साथ पूरा परिवार दे दिया तुमने। माँ, पापा और छोटी सी प्यारी सी बहन मिल गई। वरना मैं बिन माँ बाप के अनाथ सारी जिंदगी अपनी ऐसी अकेले काट देता। थैंक यू संजना, तुमने मुझे पूरा परिवार दे दिया। बस 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 जीजू, ये मीठी मीठी बातों से दीदी अपना गिफ्ट नहीं भूलने वाली। चलिए चलिए दीदी का गिफ्ट निकालिए। क्यों दीदी? बिल्कुल, कहाँ है मेरा गिफ्ट? ओके, योर गिफ्ट। वाओ, नाइस ना। तुम्हारी गाड़ी के लिए गोल्डन की चेन। अच्छा लगा ना? Yeah, I like it, I love it. Okay, मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ। ये अपने ना, तुम लोग केक काटो, प्लेट्स मैं लाती हूँ। Okay, okay. हम लोग केक खाते हैं। सपने में जो बताया याद है ना अंगुला मंदिर, वरना याद रहे तुम्हारा बेटा। संजना, क्या हुआ? गिफ्ट इतना पसंद आ गया?
Hey, listen, एक काम करते हैं, मॉम डैड को ड्राइव पे लेके चले, लेट्स गो। कोई ड्राइव पे नहीं जा रहा है और कोई पार्टी नहीं होने वाली है। कल सुबह हमें पूजा करने जाना है कुरन गांव के पास। कुरन गांव? तुमने कहाँ सुना ये कुरन गांव के बारे में? अंगूला का मंदिर है वहाँ पे। हम वहाँ नहीं जा रहे, दैट्स फाइनल। हम जाएंगे शेखर। हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है शेखर। बेटा? कौन सा बेटा संजना? पर तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें बेटा होने वाला है? अरे पागलपन है ये। पागलपन नहीं है ये, मैंने सपना देखा, ये सच है। अब तुम्हारे यहाँ आने का समय हो गया है, आओ शेखर। संजना, तुम्हारा इस हालत में गाड़ी चलाना जरूरी है क्या? और तुम्हारा यूं मुंह सड़ाना और सारी रात ना जाने की जिद करना जरूरी है क्या? क्या प्रॉब्लम है कुरन जाने में? अरे हमें कुरन गांव नहीं जाना है, हमें उससे 10 किलोमीटर आगे अंगुला के मंदिर में जाना है। गाड़ी तेज चलाओ। तेज चला रही हूँ। गाड़ी चलो, गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने गाड़ी नहीं रोकी शेखर, अपने आप रुकी है। अरे रेस दो ना, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? पता नहीं पापा, कुछ भी नहीं हो रहा शेखर। ये देखो क्या हुआ, टायर पंचर हो गया। मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? संजना हम यहाँ से कहाँ जाएंगे अब? काम डाउन शेखर, कोई ना कोई रास्ता। मैं बताता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुरन में एक गेस्ट हाउस है, वहां आप रुक सकते हैं। कुरन? कुरन? हम क्यों कुरन जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। आगे रास्ता बंद है, कुरन मेरा गांव है इसलिए बोला, आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? बागा। शेखर, शेखर इनकी बात मान लेते हैं ना, हम लोग कहाँ जाएंगे? गेस्ट हाउस है, वहीं जाके रुक जाएंगे। प्लीज मान जाओ शेखर, वहीं चलते हैं, और तुम्हारी तबीयत ठीक भी नहीं लग रही है, चलो।
बागा, इस गांव में सबके हाथ कटे हुए क्यों? अंगुला, यहां उसका प्रकोप है। आप लोग अंदर जाइए, हम आपके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, ठीक है? ओह माय गॉड शेखर, ये कैसी जगह है? यहां तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही। चलो सब अंदर चलते हैं। हाँ चलो अंदर चलते हैं सब। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। शेखर, शेखर कहाँ गया? शेखर, बागा, इतनी रात को मेरे पति गायब है और आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ चलूं? क्योंकि अंगुला आपके पति के हाथ को काट देगा। आप चाहे तो अंगुला को मारकर अपने पति के हाथों को बचा सकती हैं। अंगुला? अंगुला कौन है बागा? अंगुला उंगलियों से बना हुआ शैतान है।
अब तक गांव के सारे लोगों के हाथ काट के खा चुका है। हम सब उसके डर से अंगुला की पूजा करते हैं। कटे हाथ से हम मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोग ही उसे मार सकते हैं, आपके ही हाथ हैं। मौका है अभी, आप चलिए उस मूर्ति को खत्म कर दीजिए, हो सकता है अंगुला खत्म हो जाए। मेरे पति का क्या? मैडम आपके पति खतरे में हैं। आप चाहे तो बचा सकती हैं उनको। मेरी बात सुनिए, सोचिए मत। अंगुला की जय! 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 जला दो मैडम इसको, जला दो मैडम प्लीज, आग लगाइए, आग लगा दो। भागेगा नहीं यहाँ से, आज कोई नहीं भागेगा, आज इसका सामना करेंगे मिलके हम। मैडम आप आग लगाइए, लगाइए उसके, हाँ आग लगाइए, जला दो इसको, खत्म कर दो इसका। मम्मी पापा है ना? जल्दी कीजिए मैडम, जल्दी आग लगाइए, नहीं तो इनकी उंगलियां कट जाएगी। मम्मा के हाथ। अंगुला को ऐसे तो पहले कभी नहीं देखा। लगता है इसके अंदर कोई शक्ति है। तुम ठीक हो संजना? तुम ठीक हो ना? मम्मी पापा शेखर, अरे ये तो अपना शेखर है। मोरेश्वर और सुमित्रा का बेटा शेखर। मैं बिन माँ बाप के अनाथ सारी जिंदगी अपनी ऐसे अकेले काटते थे। शेखर तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार करते रहे। ये लोग शेखर को जानते हैं? ये शेखर का गांव? आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, शेखर के तो माँ बाप है ही नहीं। माँ बाप थे मोरेश्वर और सुमित्रा, आस पास के 100 गांव के सबसे बड़े तांत्रिक। शेखर क्या ये सच है? बोलो शेखर क्या ये सच है? हाँ संजना,
ये गांव वाले सच बोल रहे हैं। मेरे माँ बाप इसी गांव में थे। मैं घर गया था उन्हें देखने के लिए, लेकिन अब वो मेरे घर पे नहीं है। तुम्हारी माँ मर गई शेखर। और जिस दिन माँ मरी उसी दिन से मोरेश्वर भी कहीं गायब हो गया। और उसके बाद से ही ये अंगुला अचानक प्रकट हो गया। संजना, संजना, मेरे माँ बाप ने मुझे कुरन से मुंबई भेज दिया। मुझे पैसा, ऐशो आराम बहुत प्यारा था, और फिर मुझे तुम मिल गई और तुम्हारा ये परिवार मिल गया। संजना, मैंने तुम सबको अपना लिया और अपने माँ बाप को छोड़ दिया। I'm sorry. मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मुझसे नहीं शेखर, अपने माँ बाप से मांगनी चाहिए। आज मैं आह्वान करूंगा सुमित्रा का, उसे एक अच्छी खबर सुनाने के लिए। उसके तड़पन की चीखों से जन्मा हुआ अंगुला आज उसकी चीखों का प्रतिशोध लेने जा रहा है। सुमित्रा! सुमित्रा, तुम्हारी उंगलियों से जन्मा हुआ अंगुला तुम्हारे शरीर से जन्मे हुए शेखर को तो मार नहीं सकता। उसके होने वाले बेटे के हाथों को नहीं। उसके पैदा होने के 21 घंटे के अंदर मार के खा जाएगा उसे अंगुला। इससे उसे नया मानव शरीर मिलेगा और मुझे नया बेटा। नहीं चाहिए मुझे शेखर। ये गलत है मोरेश्वर। मैं एक माँ बिन बेटे के तड़प तड़प के मर गई, लेकिन क्या उस बेटे की करने की सजा मैं एक दूसरी माँ संजना को दूँ? मेरी मौत में बदले का क्रोध तुमने भरा है मोरेश्वर। मैंने शेखर को माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो मोरेश्वर। पत्नी की इतनी बात तो मानोगे ना मोरेश्वर? तुम एक अच्छे पिता हो, तुम में दया है। तुम अपने बेटे को माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? शेखर के बच्चे के लिए शेखर को माफ कर दीजिए। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, माफ कर दो शेखर को। मेरी इतनी बात मान लो मोरेश्वर। तुम सही कह रही हो सुमित्रा, मैं नहीं मरने दूंगा शेखर के होने वाले बच्चे को। मैं नहीं मारने दूंगा अंगुला को, उसे नहीं मारने दूंगा। मुझे उस बच्चे तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, वही मुझे मानव शरीर देगा। अंगुला, आय मोरेश्वर, तुम्हारा पिता। तुझे इंसान का शरीर नहीं मिला है, तुझमें भावना नहीं है, इसलिए तूने आज अपने जन्म देने वाले को ही भक्षण कर लिया। अब देख तू कैसे रोकूंगी मैं तुझे शेखर और संजना के बच्चे को मारने से। आह,
अरे बस माँ, माँ बहुत दर्द हो रहा है शेखर। धीरज धीरज आएगा। संजना शांति। संजना शेखर प्लीज किसी को बुला दो, कोई भी दाई माँ या किसी को भी बुला लाओ प्लीज। संजना डोंट वरी, मैं कोई दाई या दोस्त देखता हूँ। डोंट वरी ना माँ, इसका ख्याल रखो, मैं भी आया। जस्ट रिलैक्स। मैं पड़ोस के गांव की दाई माँ हूँ, शायद आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। लगता है शेखर ने इन्हें भेजा है। आइए आइए आइए, चलिए अंदर, आप यहीं रुकिए। हाँ दी, सब ठीक हो जाएगा दी, प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ नैना दीदी बेटा बात चाहिए। बेटा मैं दाई माँ हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसकी दादी को पोता मुबारक हो। नानी हूँ मैं। मैं भी, आप सही कह रहे हो। नानी हूँ मैं तो। बेटा हमारे गांव की परंपरा है, पहला बेटा जिसके हाथों होता है ना, वो अपने हाथों के कंगन उस माँ को पहनाती है। सदा ही सुखी रहो बेटा। संजना, आई लव यू। तुम ठीक हो ना? आई एम सो हैप्पी। तुमने हमें इतना खूबसूरत लड़का दिया। आई एम सो हैप्पी। संजना, मुझे एक बात समझ नहीं आई। इस गांव में सबके हाथ कटे हुए थे, फिर तुम्हारी डिलीवरी किसने की? एक दाई माँ आई थी शेखर, और वो हमें हमारा बेटा दे गए। और पता है और क्या दे गए? ये कंगन। यही थी वो जो आई थी? हाँ यही आई थी हमारी मदद करने। पर क्यों? क्योंकि वो एक माँ है। तुमने उस माँ को दर्द दिया, लेकिन वो इस माँ का दर्द नहीं देख पाई। ये आई थी हमें बचाने। पर किससे? अंगुला से। ये अंगुला कौन है? उसका हमारा रिश्ता क्या है? और वो चाहता क्या है हमसे? Thank you.
अंगुला ने पापा को ही खत्म कर दिया। मां मुझे माफ कर। माफ ना करती तो यहां होती बेटा? मैं अंगोला और तुम्हारी दोनों की मां हूं। अंगोला ने गलत किया है, उसे मरना ही होगा, लेकिन वो सिर्फ मेरे माध्यम से अंगोला के मंदिर में ही मर सकता है। तुम्हें उसे मंदिर तक लाना होगा। तब तक ये दैवी चाकू अपने पास रखो संजना, इसी दैवी चाकू से अंगोला का अंत होगा। लेकिन इस चाकू का प्रयोग कैसे होगा सिर्फ मैं जानती हूँ। समय आने पर तुम भी जान जाओगी संजना। बस एक बात ध्यान रहे, शेखर इस दैवी चाकू का स्पर्श ना करे। मगर माँ अंगोला है कहाँ? संजना 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 तुम कहाँ जा रही हो? देखो अंगोला कहाँ है कोई नहीं जानता। संजना अंगोला को मार के तुम सबके हाथ वापस लाना चाहती हो, हमारे बच्चे को साथ ले जाके। संजना मेरी बात मानो, ये पागलपन है। संजना 21 में से 10 घंटे बाकी है, अंगोला हमारे बच्चे के पीछे आ सकता है। प्लीज मेरी बात समझो, मत जाओ। शेखर ये दैविक चाकू देख रहे हो तुम, ये हमारे बच्चे की रक्षा करेगा और मुझे माँ की शक्ति पर पूरा भरोसा है। मैं हमारे बच्चे को लेके अंगोला के मंदिर जा रही हूँ। यही एक मौका है अंगोला को बुलाने का। संजना सुनो, संजना 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 रुको प्लीज मेरी बात समझो। अंगोला तुम्हें अंगोला मंदिर नहीं पहुँचने देगा, वो रोक लेगा हमको, मेरी बात समझो। संजना संजना रुको प्लीज संजना। हम रोकेंगे अंगोला को, हम सब मिलकर संजना भाभी का साथ देंगे। तुम लोग वो भी बिना हाथों? हाथ कटे हैं हमारे, हिम्मत नहीं। हम सब मिलकर संजना भाभी और बच्चे को घेर कर मंदिर तक पहुंचाएंगे। अंगोला बच्चे को छू भी नहीं सकता। आइए सब। आइए शेखर। कहा था मैंने कि मत जाओ, हमारा बच्चा। शेखर प्लीज मेरी बात सुनो, मत रो। जब मैं गेस्ट हाउस में थी ना, तब मुझे मां मिलने आई थी। हाँ शेखर। संजना जो राज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो शेखर को भी पता नहीं होना चाहिए। शेखर और अंगोला दोनों मेरे शरीर से बने होने के कारण एक दूसरे से जुड़े हैं। शेखर को जो पता चलता है वो अंगोला को भी पता चल जाता है। मैं तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में नहीं जाने दूंगी। अगर मेरा शरीर अंगोला को पैदा कर सकता है तो मेरी आत्मा
इस बच्चे का प्रतिरूप भी पैदा कर सकती है। बिना आत्मा के पैदा हुआ प्रतिरूप। इस प्रतिरूप को लेकर तुम बाहर जाओगी और मेरा पोता यही रहेगा सुरक्षित। अंगोला इसे खाकर भी शरीर नहीं पाएगा। हमारा बेटा गेस्ट हाउस में सुरक्षित है। अब सिर्फ एक ही काम बचा है, अंगोला का अंत। तुझे इंसान का शरीर कभी नहीं मिलेगा अंगोला। तू मेरे शरीर से बना है मूर्ख अंगोला। शेखर भी मेरे शरीर से निर्मित है। अब देख तू इन तीन आत्माओं की सामूहिक शक्ति। संजना, देवी चाकू शेखर के हाथ में दो। शेखर, ये देवी चाकू आत्मशक्ति से बना है। ये आत्मिक हथियार है। ये त्रिभुज प्रकाश हम तीनों की आत्मा का प्रकाश है। इससे पहले कि ये बुझ जाए, खत्म कर दो अंगोला को। अंगोला को मारने के लिए मेरे आत्मिक रूप को मारना होगा शेखर। मेरे साथ ही मिट जाएगा ये अंगोला। मैं सोचो मत शेखर, आत्मा नहीं मरती, आत्मा ईश्वर में मिल जाती है। बस अब मुझे ईश्वर में मिल जाने दो और खत्म कर दो अंगोला को। चलो चाकू शेखर। अगर मैंने अपने माँ बाप के साथ ये सब नहीं किया होता ना, तो ये अंगोला कभी पैदा ना होता। ये सब मेरी गलती। अब तुम भी एक बाप हो और इस माँ बाप के दर्द को हमेशा याद रखना।